तुम्हारा कौन मारा? बस वाला काम पे पैराडाइज का नहीं। और कौन भी थे तुम्हारे संगत? अकेले थे, बस वाले की गलती है ना। टीसी वाले क्या कर रहे क्या नहीं मेरे को नहीं मालूम, मगर मेरा बच्चे की जान चले गई। मैं बहुत ये हूँ, मेरे से नहीं हो रहा। आज मेरा बच्चा गया, कल किसी और का बच्चा भी जा सकता, मगर वहाँ बसा बहुत तेज चला रहे, कुल्ली सांड के जैसा छोड़ दिए बच्चों को, मेरे इसको परेशान कर दिए। तुम बना दो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहु। भाई ये जो तेलंगाना स्टेट में जो आरटीसी ड्राइवर आए ऐसा फिर रहे ना, खुले सांडा फिर सरका फिर रहे। एक तो तनख्वाह डबल हो गई लोगों की, ऊपर से लोगों को समझ नहीं आ रहा। एक बार आप बालनगर अपना पैराडाइज सिग्नल के पास आके देखो कैसा चलाते लो बस। आज ये बोल के नहीं, 10 खिस्से हुए वहाँ पर मिर्चल बस स्टॉप 226 बस स्टैंड जो है पैराडाइज का, ऐसा चला रहे ना। ऑटो वाला भी नहीं चलाता, पायलटिंग करते वैसा चला रहे ना। एक बार आप तेलंगाना गवर्नमेंट से हमारी हुकूमत है, एक बार आप लोग आके देखिए। आज इनका बच्चा हुआ, मेरा भाई हुआ, कल दूसरे का भी नहीं होना। एक बार आप लोग ज़रा क्या है तेलंगाना गवर्नमेंट से एक बार देखिए आप लोग, और इंसाफ होना साहब। हमारे को बेला वजह 10 मीटर लेके गया, 6 मीटर बोलते 8 फीट के करीब खींच लेते लेके गया साहब उन्हें बस में। एक बार अगर नीचे कुछ आया तो 1 से 2 फीट 3 फीट जाता, 4-5 फीट नहीं जाता, 8 फीट नहीं जाता। एक बार देखिए आप लोग, बच्चे की जान चले गई। आज 18 साल का भी बच्चा नहीं है पूरा। आज मेरा भाई गया, कल दूसरे का भी जाएगा भाई, किसी का बेटा जाएगा, किसी का भाई, किसी का बाप। ऐसा चला रहे भाई बस वाले, आप झूठ मानो कि मानो। एक बार केसीआर साहब आप एक बार नॉर्मल आदमी बन के एक बार बच्चा पे ठहर के देखिए उधर कैसा चला रहे हो ना बस। उसके बाद हमारे को बोलिए, कैमरे भी नहीं है वहाँ पर, जहाँ बच्चे का एक्सीडेंट हुआ वाटर टैंक है वहाँ पर लेफ्ट साइड में पैराडाइज बस स्टैंड है, वहाँ पर कैमरे भी नहीं है। पैराडाइज का एक ही सिग्नल है वो गवर्नमेंट का लगा लिया भाई, पुलिस के चैलेंजों के ऐसे लगा लिए गवर्नमेंट, पब्लिक को तो मरने के ऐसे छोड़ दिए। पहले गार्ड रहता था, जैसा लॉकडाउन हुआ गार्ड भी गए भाई उधर से, आरटीसी की तरफ से गार्ड रहता था उन भी गए भाई लॉकडाउन से। और अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। भाई जो बालमरी पैराडाइज के पास जो हादसा हुआ कमान के पास वाटर टैंक का, मेरे को सिर्फ इतना बोलना है कि वहाँ पर जो आरटीसी जो बसा रहते हैं वहाँ पर इतने एक्सीडेंट ना होते, और वहाँ पर जो टर्निंग के पास जो बसा ठहरते जो बस स्टॉप है और सेंटर में है, सेंटर में बस स्टॉप रहे तो वहाँ सेंटर में बस रोकना, लेफ्ट साइड में रोकना है। वहाँ तो जगह छोटी है, बस स्टॉप भी एक पब्लिक भी वहाँ ठहरी हुई रहती, और लेफ्ट राइट साइड से गाड़ियाँ जाने का कैसा जाएंगा। और जो बसा वाले जो है ऐसा चला रहे है कुत्ते के नाथ, गाड़ी चलाते ना राइट देखते ना लेफ्ट देखते, टर्निंग पे गाड़ी छोड़े थे, टर्निंग पे वहाँ पब्लिक ठहरती, और राइट साइड से जो गाड़ियाँ टू व्हीलर हो या कार हो कैसा जाएंगा। आज वहाँ हमारे बच्चे की जो जान चले गई, मैं MLA सायन्ना से ईरोजु 11:15 బాలమరాయ్ పంప్ హౌస్ దగ్గర బేగంపేట నందు ఆర్టీసీ బస్, మేడ్చల్ డిపోకు చెందిన ఆర్టీసీ బస్, ఒక టూ వీలర్ యాక్టివా హోండా పైన వెళ్తున్న ఒక వ్యక్తిని యాక్సిడెంట్ చేయడం వలన అతనికి ఎడమ చేయి, ఎడమ కాలు, వీపు భాగము బ్లడ్ ఇంజురీస్ కావడం వలన అక్కడ నుంచి 108 అంబులెన్స్లో అక్కడ ఉన్న పబ్లిక్ సాయంతో గాంధీ హాస్పిటల్కు చికిత్స కోసం పంపించడం జరిగింది. చికిత్స పొందుతూ 2:39 అతన్ని మరణించినాడని గాంధీ హాస్పిటల్ డ్యూటీ డాక్టర్లు ధృవీకరించినారు. మృతుని మదర్ అబేదా బేగం ఫిర్యాదు మేరకు కేసు రిజిస్టర్ చేసి దర్యాప్తు చేయడం అనేది. అదేవిధంగా మేడ్చల్ డిపోకు చెందిన ఆర్టీసీ డ్రైవర్ లొంగిపోయినాడు. ఈ యాక్సిడెంట్కి సంబంధించిన వివరాలను దర్యాప్తులో అని మొత్తం నిజ నిజాలను తీసి దాని ప్రకారంగా దర్యాప్తు జరుగుతున్నది. ఆ బాడీని పోస్ట్ మార్టం నిమిత్తం గాంధీ ఆసుపత్రిలో ఉన్నది.